जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, ड्राइवर हटो, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। नवाब साहब, नवाब साहब, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत बड़ा मुसीबत आ गया है, आपको बस हम आगाह करने आए हैं। मुसीबत? हाँ। अरे कैसी है मुसीबत? हसीना मलिक है ना, बाप रे बाप, इतना बड़ा गेम प्लान करके बैठी है, हमको पता ही नहीं था। आपकी हवेली नहीं है, उस पर कब्जा करने वाली है वो, और ये बात खुद उन्होंने हमको बताई है। हमको लगा नवाब साहब आपको बता दे आके बस ये बात। कब्जा? अरे करिश्मा जी, अरे आप क्या मजाक कर रही हैं? अरे हम यहाँ के नवाब हैं, नवाब। अरे हमारी हवेली में ऐसे कैसे कौन कब्जा कर सकता है? वही वही हमने बोला, नवाब साहब की हवेली पे आप कब्जा करेंगे? तो बोली हम SHO हैं। SHO की पहुंच तो आप जानती हैं, एक कॉल लगाया, समझिए आप बात को, उनको तो क्या जबरदस्ती करके कब्जा कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे? हाँ भाग जाता। अरे भाइयों, हसीना मैडम ना उस टाइगर को बचाना चाहती हैं, इसीलिए सब नाटक कर रही हैं। हम लोग चलते हैं, पूरी देखते हैं, चलते चलो भाइयों, चलो 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 चलो। आ जाओ आ जाओ। अरे कैसे यार है, ऐसे कैसे भाग गया ये? निकालो 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 निकालो। तुम लोग अंदर जाके टाइगर को देखो, जाके जाओ जी। अरे किसकी हिम्मत हुई हमारा सामान बाहर फेंकवा? अरे 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 किसकी जुर्रत है सब सामान? अरे दरवाजा टूट गया। पुष्पा जी, अरे आपके होते हुए सब क्या हो रहा है? कब्जा। जी नवाब साहब, कब्जा? हमने आपकी हवेली पर कब्जा कर लिया, इसलिए अब ये हवेली हमारी हुई। तो फिर हमारी हवेली में आपका सामान क्या कर रहा है? नवाब साहब, नवाब साहब, सच में वो बाघ अंदर नहीं है। बाघ को भगा दिया, हमारी हवेली पर भी कब्जा करना चाहती हो? मैडम, कुछ भी हो जाए, आप हमारी हवेली पे कब्जा नहीं कर सकती हैं। अच्छा है? देखा देखा, अरे भाइयों देखा है? अरे पुलिस होती है जनता की रक्षा के लिए, लेकिन ये पुलिस हमारी हवेली को कब्जा कर रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक मिनट, क्या नवाब साहब, आपके पास तो 50 हवेलियां हैं, एक हवेली को हमने हत्या लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी? अरे वाह 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 है। अरे मैडम जी, अरे हमारे पास 100 हो 150 हो आपसे क्या मतलब? अरे हम किसी भी हवेली में रहे, लेकिन आप एक भी हवेली कब्जा नहीं कर सकती हैं। अरे हम नवाब हैं, नवाब, हमारी पहुंच ऊपर तक है, हम कंप्लेन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। हैं क्यों भाइयों? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाइए नवाब साहब, हम भी आपको कब से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान हो या जानवर, अगर हम उसके घर में घुसेंगे तो उसे भी गुस्सा आएगा। और नवाब साहब, आप इंसान हैं, आप तो हमारे खिलाफ कंप्लेन कर भी सकते हैं, लेकिन उन बेजुबान जानवरों का क्या? वो कहाँ जाएंगे? वो किस थाने में FIR लिखवाएंगे? आपने जिस बिल्डर को जंगल बेचा था, वो उस जंगल को उखाड़ कर वहां पर एक टाउनशिप खड़ी करने वाला है। और बात यहाँ सिर्फ जानवरों की नहीं है, बात है प्रकृति के संतुलन की। जिस तरह से हमें प्रकृति की जरूरत है अपना संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक उसी तरह प्रकृति को जानवरों की जरूरत है। अगर हम उनका घर उजाड़ देंगे, अगर हम उनका जंगल काट देंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और आप आने वाली पीढ़ी को यही देना चाहते हैं नवाब साहब, आप यही सिखाना चाहते हैं उन्हें? हसीना जी, हमें अंदाजा हो गया है कि हम कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे थे, पर ये नवाब आपसे वादा करता है कि हम अपनी जमीन पर ना तो कोई बिल्डिंग बनने देंगे
और ना ही कोई जंगल कटने देंगे। पुष्पा जी, जी हमारा सामान अंदर रखवा देना। जी जी हाँ रखवा देंगे। चलो भाइयों। अरे करिश्मा सिंह जी। मैडम सर, हमने नवाब के खिलाफ जो FIR लिखने को आपको कहा था उसका रजिस्टर ही हमें नहीं मिल रहा है। आपके पास है तो प्लीज दे दीजिए ताकि हम जल्दी से साइन करके ये केस क्लोज करें। नहीं लिखा हमने FIR। क्यों? क्योंकि बुलबुल पांडे ने FIR लिखना बंद कर दिया है ताकि वो बेस्ट थाना कॉम्पिटिशन जीत सके। तो हम काहे लिखें, हमें भी जीतना है। करिश्मा सिंह, बुलबुल पांडे कुछ भी करे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम ये कॉम्पिटिशन जीते या ना जीते, लेकिन हम कोई भी काम गलत तरीके से नहीं करेंगे। हम ये आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अगर फिर से आपने ऐसा कुछ किया तो हमें आपके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। क्लियर? जी। कंप्लेंट लिखने आए हो? नहीं, स्कूल में एडमिशन कराना है। हाँ ओके 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 फाइन। हाँ तो अब रिपोर्ट लिख ले। जी चैन चोरी हो गई है। हमेशा पहन के रखते थे? ना ना मैडम, मैं तो कभी कभी पहनता था। मेरी बीवी इतना मना करो फिर भी चैन पहन के निकलती है। आपकी चैन? अपनी चैन मैडम, मार्केट गई थी वहां से किसी ने उसकी चैन छीन ली। तो रिपोर्ट किसके खिलाफ लिखनी है, आपकी बीवी के खिलाफ या जिसने आपकी चैन चुराई उसके खिलाफ या जिसने आपकी बीवी की चैन चुराई उसके खिलाफ? मैडम जिसने मेरी बीवी की चैन छीनी उसके खिलाफ। क्या है मैडम, जब से चैन चोरी हुई है मैडम तब से मेरी बीवी ने बेचैन करके रखा है। अब क्या बताए, हमारी बहू रानी भी ऐसी। पुष्पा जी, रिपोर्ट लिखवाने के लिए इतनी बड़ी लाइन, आपने क्या ऑफर दिए क्या, एक के ऊपर एक फ्री? बस चाय रखो, जाओ काम करने दो हमें। करो करो काम करो, बहुत ज्यादा काम है आज। हाँ तो बताइए किसके खिलाफ आपको कंप्लेन रजिस्टर करना है? सोसाइटी के खिलाफ। क्यों? पानी का प्रॉब्लम मैडम जी। देखो मैडम, पानी का ना बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। आपके यहाँ भी? हाँ। कौन से एरिया में रहती हैं आप? गौतम नगर के पास। मैं भी वहीं पे रहती हूँ, आपको बताया। अच्छा एक बात बताइए, कोई अच्छा कारपेंटर है क्या आपकी नज़र में? मेरे घर पे दरवाजे से ना 3 महीने से कुचर कुचर की आवाज़ आ रही है, कारपेंटर ठीक नहीं कर पा रहा है, परेशान। संतोष जी, पर्सनल लेवल पर बाद में बतिया लीजिएगा, फिलहाल FIR लिखिए ना प्लीज। ओ हाँ, अगर आपको वहाँ से फुर्सत मिल गई तो मेरी भी सुन लीजिए। देखिए जो मामला है ये मामला है गौतम नगर का। और आपकी बीवी की चेन कहाँ चोरी हो गई? गौतम नगर। गौतम नगर? जी भाई साहब, गौतम नगर हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता, और कानूनन जिस क्षेत्र में अपराध हुआ हो ना उसी क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है। तो ये जो गौतम नगर है ना वो जानकीपुरम एरिया में आता है, तो वहाँ के SHO है बुलबुल पांडे जी, वहाँ जाके रिपोर्ट लिखाइए। हाँ नहीं नहीं मैडम, पहले वहीं गए थे, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ जल्दी इंसाफ मिल जाएगा इसलिए यहाँ आ गए मैडम। मुझे भी यही कहा गया था। हाँ हाँ मुझे भी यही बोला था। पुष्पा जी हमने बोला था ना कुछ तो गड़बड़ है। करिश्मा जी को बताना पड़ेगा। बताओ।
छोटी बड़ी सभी एफआईआर के लिए महिला पुलिस थाना जाइए, अपनी समस्या का समाधान पाइए। चलिए मारिए, आगे बढ़िए, मारिए। अरे हंटर वाली 77, आप हमारे थाने में आए, हमारा सौभाग्य है। मनहूस, हमारा मतलब हम मनहूस सर, अगर उनके आने से हम दुखी होते हैं तो हम मनहूस ही है ना मतलब हमेशा यूं बच्चन साहब की तरह एंट्री करने का कौन जरूरत है, कभी कभार सोपर एंट्री भी कर लिया करो। हैं साहब, साहब ये हमको कंप्लेंट लिखवाना था साहब। कौन लिखेगा? अनपढ़ गवार, ये अंगूठा छाप। हमारा मतलब सर ये बताइए, अंगूठा छाप ही है ना? इतना बड़ा नोटिस आपने बाहर लटका रखा है, फिर भी अंदर आके पूछ रहा है कंप्लेन कहाँ लिखेगा। अरे भाई काहे अपना समय बर्बाद कर रहे हो यहाँ कंप्लेन लिखवा के, महिला पुलिस थाने जाओ भैया, काहे कि वहाँ पे तुम्हारा समस्या का निवारण यूं चुटकियों में हो जाएगा। एड्रेस मालूम है कि नहीं? वहाँ पे लिखा है देखो, तोहरा जैसे लोगों के लिए, पढ़ के निकल लो ना मतलब। करिश्मा जी, थैंक यू बोलने का कोनो जरूरत ना है, हम आप पे कोनो एहसान नहीं कर रहे हैं, यहाँ का केस आपका महिला पुलिस थाने भेज कर, कहे कि हमको आपका महिला पुलिस थाने पे पूरा भरोसा है, आपका एफिशिएंसी पे पूरा भरोसा है, कहे आप लोगों का तो खासियत है ना ऐसा छोटा मोटा रेजगारी का केस सुलझाने का, है कि नहीं? समझ रहे हैं हम बहुत बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपके दिमाग में जो है ना वो क्या चल रहा है बुलबुल पांडे जी। ये जो केसेस हमारे महिला पुलिस थाना में ट्रांसफर हो रहे हैं ना, इससे तो यही साबित होता है आधिकारिक रूप से कि हमारे यहाँ केस जो है उसका अंबार आया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि हमारे आसपास का जो एरिया है वहाँ पे क्राइम ग्राफ जो है वो इतना बढ़ गया है, और उसकी एक ही वजह हो सकती है हमारे महिला पुलिस थाना की निकम्मी पुलिस। हाँ नहीं मतलब ऐसी पुलिस जो इस प्रतियोगिता में जीतना तो क्या भाग लेने के भी लायक नहीं है, इससे आपका रास्ते का जो कांटा है जो हम बने हुए हैं वो तो साफ हो गया ना, आपकी जीत तो पक्की हो गई, यही चल रहा है ना आपके दिमाग में। अब हम बताते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि ये जो प्रतियोगिता है ना, ये इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में हम तुमको जीतने नहीं देंगे, समझ गए? और ये हमारा तुमसे वादा है, और ये पूरा लखनऊ जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। जय हिंद। वाह, क्या शॉट मारा है मैडम ने। मायने खेल नहीं, खेल का नतीजा रखता है, लगा लेने दो जितना शॉट लगाना है, हम भी देखते हैं कि कैसे ही महिला पुलिस थाने वाले बेस्ट थाना प्रतियोगिता जीतते हैं। क्या? एक सेकंड, आप सबके कहने का मतलब है कि आज से हम इस थाने में केसेस लेना बंद कर दें? नहीं नहीं मैडम सर, केसेस लेना बंद नहीं करेंगे, केसेस का एफआईआर लिखना बंद कर देंगे, ये कह रहे हैं। पॉइंट है ना पुष्पा जी? लेकिन बिना एफआईआर के अगर हम केसेस इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो तो अनऑफिशियल हो गया ना, और अगर हम खुद ही रूल्स ब्रेक करेंगे तो फिर हम आम आदमी के लिए एग्जांपल कैसे सेट करेंगे? ये भी पॉइंट है। क्यों पुष्पा जी? आम आदमी को इंसाफ से मतलब है। ऐसे कितने सारे केसेस हमने सॉल्व किए जिनका हमने एफआईआर नहीं लिखा लेकिन इंसाफ मिला, किसी को नहीं पड़ी है। क्यों पुष्पा जी? हम सही कह रहे हैं ना। अब बात आ गई है हमारे थाने के स्वाभिमान की। हम इस कंपटीशन से सिर्फ इसीलिए बाहर हो जाए क्योंकि भैया हमारा थाना चलता है मैडम सर का जंग लगा जज्बात और उनका आउटडेटेड आइडियोलॉजी के वजह से। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम ये कंपटीशन जरूर जीतेंगे। पुष्पा जी आप कुछ बोल काहे नहीं रही हैं, चुप क्यों खड़ी हैं? अब क्या है ना कि हमें ये कॉम्पिटिशन नगद पुरस्कार या किसी इनाम के लिए नहीं जीतना है मैडम सर, हमें ये कॉम्पिटिशन इसलिए जीतना है ताकि हम ये साबित कर सके कि समाज को महिला पुलिस थाने का भी उतना ही जरूरत है जितना पुरुष थाना का है। हम सही कह रहे हैं? अब इसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े हम कर देंगे। वैलिड पॉइंट। क्यों पुष्पा जी?
तजुर्बा कहता है हमारा, सच को साबित करने के लिए अगर झूठ का सहारा लिया जाए तो सच भी झूठ ही बन जाता है, और ऐसा तो हम हरगिज नहीं होने देंगे। सॉरी मैडम से, लेकिन इस बार करिश्मा मैडम सही बोल रही है, जैसे को तैसा तो होना ही चाहिए ना। पुष्पा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बिल्कुल सही बोल रही है संतू जी, आप बिल्कुल सही बोल रही है। मैडम सर, अगर हक जानवर का मारा जाए ना, तू भी पलट के वार करता है, तो हम लोग अपना अधिकार ऐसे कैसे जाने दें? और पुष्पा जी, आप कहे चुप है, कुछ बोलिए ना। अरे बोलिए ना पुष्पा जी। हम कब से बस बोलिए ना बोलिए ना किए जा रहे हो तुम तीनों, हमें कुछ बोलने का मौका भी तो दीजिए ना। मैडम सर, इस बार पहली बार हम करिश्मा जी जो कह रही है ना उससे सहमत है। बुलबुल पांडे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए, इसी लायक होते ये लोग। और हम, आई एम बिलू द स्पाई, मैं आज करिश्मा मैडम के साथ हूँ। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप सब ऐसा कह रहे हैं। और एक मिनट, ये कोई सोसाइटी की मीटिंग नहीं चल रही है कि यहाँ पर मेजॉरिटी वोट्स के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। ये एक पुलिस थाना है, यहाँ जो कुछ भी किया जाएगा कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर आने वाले हर आदमी की कंप्लेन ली जाएगी, उसकी प्रॉपर ऑफिशियल FIR की जाएगी, और उसी के बिना पर सारे एक्शन लिए जाएंगे, और ये हमारा ऑर्डर है। क्लियर? क्लियर जी मैडम। गुड। या क्या फायदा साथ देने का? अब क्या करेंगे? नहीं, हम नहीं चलने देंगे मैडम सर का मनमानी इस बार। उनका ये जज्बात और आइडियोलॉजी की वजह से ना, हम अपने थाने का आत्मसम्मान का आहुति नहीं चढ़ने देंगे। ये कंपटीशन हम किसी भी हालत में जीतेंगे बस। लेकिन कैसे मैडम? कुछ चल रहा है हमारे दिमाग में, बताते हैं तुमको। ऐसे ऐसे ऊपर देख के चलो। ऐसे काहे 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 बिलोटू, ऐसे सर ऊपर उठा के काहे चलना है यहाँ पर? काहे मतलब देखो ना, छत एकदम कमजोर है, कभी भी सर पर गिर सकती है उखड़कर। इससे अच्छा जगह नहीं मिला था तुमको? हाँ बिल्ला। मैडम आपने ही कहा था आपको सुनसान जगह चाहिए, तो ये वाइन शॉप मिल गई। लॉकडाउन लग गया, ओनर की लग गई, शॉप की लग गई, शॉप तब से बंद है, एक बोतल तक नहीं छोड़ी। मैडम लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा भूतहा जगह पर हम लोग करेंगे का? तुम सबसे पहले हमको ये बताओ, तुमने संतू को तो कुछ नहीं बताया ना? मैडम आपके कहने पर ही पाप तो हम कर दिए हैं। मतलब बता दिया? नहीं मैडम, संतू जी को नहीं, नहीं बताने का पाप मैडम, नहीं बताया संतू जी को। लेकिन एक चीज हमारे समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि मैडम आप लोग ये सारा बात संतू से छुपा कहे रही हैं। कहे रही हैं मतलब क्या कहे रही हैं? तुमको नहीं पता है क्या संतू का आदत? पेट में मरोड़ आ जाता उसका, जब तक सच को उल्टी नहीं कर देती तब तक उसका पेट का दर्द सही नहीं होता है। हम नहीं चाहते उसका उल्टी की वजह से हमारा प्लान उल्टा हो जाए, समझ रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, इतना गुस्सा मत कीजिए। बताइए आपका प्लान क्या है, कुछ सोचा है आपने दिमाग में? अगर है तो बताइए। दिमाग? प्लान? हाँ प्लान प्लान। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, यहाँ कैसे हो सकता है बताइए? जी कहिए, क्या काम है? एसपी मिलेगा? ऐसे कहते हैं, इज्जत से बात करो। एसपी सर मिलेंगे क्या, ऐसा पूछो। और वो यहाँ कैसे मिलेंगे? वो तो नहीं है, नो प्रॉब्लम, दूसरा ब्रांड भी चलेगा, शिक्षक है। शिक्षक? शिक्षक? रखी फोन रखी, शिक्षक पूछ रहे हैं या फोन फोन। अरे कहाँ शिक्षक, शिक्षक बोला ना बिल्ले ने, ये वाइन शॉप है तो दारू ही मांगेगा ना वो। अब सुनिए, प्लान सुनना ना सबको, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ तो इधर आइए, इधर। प्लान ये है कि हम यहाँ अपना पर्सनल थाना खोलने वाले हैं। हाँ मतलब कि केसेस आएंगे लेकिन FIR नहीं होगा। मैडम सर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा इस बात का, मतलब केसेस आएंगे, केसेस सॉल्व होंगे, रजिस्टर्ड नहीं होंगे, अनऑफिशियल चीजें चलेंगी। समझ में आ गया सबको? क्या ये क्या क्या कह रही हैं आप? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पर्सनल थाना खुलेगा, हम यहाँ पे केसेस सॉल्व करेंगे और मैडम सर को पता नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं हम। नहीं नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम सर को पता चल गया तो? पता चल गया तो क्या, हम सब लोग सलाखों के अंदर और क्या? और मैं हमेशा के लिए सलाखों से बाहर, मेरी छुट्टी।
हे भोलेनाथ, हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई जो हमने इनका साथ देने के बारे में सोचा। हमको तो पहले से पता था आपके और हमारे सितारे ना कभी मिल नहीं सकते। जिंदगी में पहली बार आपका साथ देने के बारे में सोचा और देखो हमारी नौकरी पर आ बनी। प्रतियोगिता भी आप सबको ही जीतना है, हमको अकेले को नहीं जीतना है। और अगर जीतना है तो ऐसे ही काम चलेगा। सवाल अब ये उठता है कि हमारा साथ कौन कौन देगा। मैडम हम तो आपके साथ हैं। मैडम हम नहीं बोले, मैडम हम नहीं बोले, हम नहीं बोले। बिलौटे के टकले आया कसम, मैडम हम नहीं है कसम। मैडम चीते को मत बोलो कुछ भी, चीते ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं खुद यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों पर डाउट हो गया था कि मेरे बिना आप लोग खिचड़ी पका रहे हो, इसीलिए मैंने आपका फोन ट्रेस किया। ना कि सिर्फ इस लोकेशन पे पहुंची बल्कि मैंने आपका प्लान भी सुन लिया। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे अपने प्लान में शामिल कर लो या तो आप प्लीज अपने प्लान में शामिल कर लो। मैडम मैं आपके बिना अकेले क्या ही करूंगी। आप शामिल नहीं करोगे घर पर जाऊंगी, आधा घंटा रोऊंगी। रोइए मत संतू जी, रोइए मत। अभी नहीं रो रही है, पाप आप ही को लगेगा। मैडम प्लीज शामिल कर लो ना। और रही बात पेट दर्द की तो आई प्रॉमिस मैं कंट्रोल करूंगी। पक्का? हाँ मान गई मैडम। सर मान गई, संतोष जी आप टीम में हैं। कब मान गई? कब? हाँ बोल। हाँ बोली बोली। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू मैडम, आप टीम है। संतोष जी प्लान में शामिल है, सब सब हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि उस थाने की कंप्लेन इस थाने में ट्रांसफर कैसे होगी? उसके लिए भी हमने कुछ सोचा है। तैयार? बिल्कुल तैयार। किसी को भी थाने के अंदर जाने नहीं देना है, क्या समझे? किसी को भी थाने के अंदर जाने नहीं देना है। बहाने से चाय की दुकान पर लाना है, आगे से मैं संभाल लूंगा। दोनों बागड़ बिल्लो सुनो, किसी को भी मतलब किसी को भी, मैं तो किसी को भी अंदर जाने नहीं दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओवर एंड आउट। मिशन हल्ला बोल। मैडम आज छुट्टी, मैडम छुट्टी, आज छुट्टी, आज घर आज। मैडम आप घर पे आराम कीजिए बस। क्या? अरे क्या बोल रहे दोनों, हटो साइड में जरा। छुट्टी आज छुट्टी, घर पे जाइए। बिल्लू। हाँ मैडम सर। क्या हो रहा है सब? वो एक्सरसाइज, ये साइज बढ़ गया ना इसीलिए। तन की शक्ति के लिए योगा करना बहुत जरूरी है। मैं बिल्ले जाने ही मना किया था ना। अरे अंकल के खाली पतीलू, मैडम सर को क्यों रोका? तो तूने ही बोला था ना किसी को मतलब किसी को भी। अबे चपड़ के जो मैडम सर को हो के लिए कलेजा लगता है। कलेजा नहीं दिमाग लगता है। मैंने क्या कहा था, अंदर थाने में रिपोर्ट लिखवाने जो जाएगा उसको रोकना है, थाने वाले को नहीं। हम समझ गए किसको रोकना है? जो जो रिपोर्ट लिखवाने जाए उनको रोकना है। ओके डन। फॉर एन आउट गोलगप्पे वाला जा रहा है थाने की तरफ, रोके उसे। अरे फिर वही, तुम दिमाग से पैरालाइज हो क्या? अरे वो गोलगप्पे वाला है, अपना धंधा करेगा, निकल जाएगा, जाने दो उसको। जा रहा है, चला गया वो। देखो देखो उसने अपना सामान नीचे रखा, अभी धंधा करेगा, गोलगप्पा गोलगप्पा और निकल जाएगा। अंदर के अंदर देख बिल्ले हो गए तसल्ली। हां अरे वो गोलगप्पा वाला देख, अंदर रिपोर्ट लिखवाने गया है। बड़ा आया तू बिल्लू द स्पाई। अगर इसने एफआईआर कर दी तो बिल्लू द स्पाई करिश्मा मैडम तुझे कर देगी हमेशा के लिए बाय बाय। Wow.
से। हाँ? बिले 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 गोलगप्पे वाला जा रहा है थाने की तरफ, रोके उसे। अरे फिर वही, तुम दिमाग से पैरालाइज हो क्या? अरे वो गोलगप्पे वाला है, अपना धंधा करेगा, निकल जाएगा, जाने दो उसको। जा रहा है, चला गया वो। देखो देखो उसने अपना सामान नीचे रखा, अभी धंधा करेगा, गोलगप्पा गोलगप्पा और निकल जाएगा। देख बिल्ले हो गए तसल्ली है। अरे वो गोलगप्पे वाला देख, अंदर का रिपोर्ट लिखवाने गया है। बड़ा आया तू बिल्लू द स्पाई। अंदर गए, पुष्पा जी को बताना पड़ेगा गोलगप्पा वाला रिपोर्ट लिखवाने आ रहा है, संभालो पुष्पा जी। हेलो, क्या बिल्ले बिल्ले तुमको एक काम दिया था, वो काम भी तुम ढंग से नहीं कर पा रहे हो। रुको रुको, अभी देखते हम क्या कर सकते हैं। जी कहिए। मैडम हम गोलगप्पे वाले हैं। नहीं नहीं, आज हमारा गोलगप्पे खाने का मन नहीं है, आप जाइए जाइए जाइए। आप समझे नहीं मैडम, हम रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। रिपोर्ट लिखवाने? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक प्लेट गोलगप्पे के साथ किसी ने चार गोलगप्पे एक्स्ट्रा मांग लिए? ऐसी कोई बात नहीं मैडम, ये बताइए रिपोर्ट कहाँ लिखवानी है? देखिए वहाँ बाहर ना बिल्लू नाम का एक आदमी मिलेगा आपको, वो बताएगा आपको कि कहाँ रिपोर्ट लिखवानी है। हा? वो क्या है ना, आज हम यहाँ तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते मैडम? कागज खत्म हो गए। तो हम ला देते हैं पेपर। नहीं नहीं आप समझे नहीं, वो लगता है आपको बताना ही पड़ेगा। आप क्या है ना, यहाँ थाने में ना किसी चुड़ैल का साया है। क्या हुआ ना, सालों पहले वो अपनी रिपोर्ट लिखवाने यहाँ आई थी, मगर उसकी रिपोर्ट किसी ने नहीं लिखी। क्यों, तब भी पेपर खत्म हो गए थे क्या? नहीं नहीं, तब तो टाइपराइटर खराब हुआ था ना। तो अब सुनिए तो सही, तब किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मरने के बाद ना यहाँ जो वो चुड़ैल बन के घूम रही है, जो जब भी कोई रिपोर्ट लिखवाने आता है ना उसे पकड़ लेती है, उसका खून पी जाती है। हाँ मैडम, गोलगप्पा बेचते हैं, बुद्धि से गोलगप्पा समझे हो का। सबको पता है भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता आज के जमाने में, आप भी मत मानिए। रुकिए हम पेपर लेके आते हैं। रुको, रुक जाओ, भूत भूत भूत, रुको भूत 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 भूत। नहीं, ये गोलगप्पे नहीं है मेरे पास। नहीं खाने हैं गोलगप्पे, नहीं खाने हैं। अरे दही पल्ले चाट कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा चुप, रिपोर्ट लिखानी है ना तो चलो थाने में। ये वाला नहीं, नया थाना, नया वाला एकदम। हाँ फ्रेश, बोनी तुमसे ही करवाएंगे, इनॉग्रेशन तुम करना। हाँ, और पहले रिपोर्ट पे ऑफर भी है, बदनाम स्पेशल चाय और एक फुल बिरयानी। चले 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 चले, जरा ध्यान रखेंगे आज, खून पियेंगे हम तुम्हारे, खून की प्यास लगी है हमें, खून पियेंगे हम। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, क्या हुआ? क्या हुआ, आपके ये बाल इस तरह से बिखरे हुए हैं, आप इसी भयानक से क्यों लग रही है, हो क्या रहा है? हम योगा कर रहे थे ना। क्या? हाँ, वो लल्ला के पप्पा ने हमें सिखाया था, जब सिर में बहुत दर्द होता है तो इस प्रकार का योगा करते, तो वो ही कर रहे थे, और देखिए ना हमारा सर दर्द भाग गया। पुष्पा जी अब ठीक है ना? हमें किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई थी यहाँ से। दर्द की, दर्द भाग गया ना, वो ही बचाओ बचाओ। पुष्पा जी वो एक मर्द की आवाज थी। हाँ, जो जो ये हम योगा करते हैं ना इसमें, तो इसमें ना ऐसा अपने आप ऐसे अंदर से मर्द की आवाज आती है बस। ठीक है आप करिए जो कर रही थी। नहीं अभी अभी हो गया। क्या है ये? थाना ही है, नया है। अरे
अरे खोलो, कंप्लेन लिखवाने वाला लेके आया हूँ। शटर खोलो। अम्मा जब चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बताना था कि यहाँ यहाँ पे थाना खुला हुआ है, तो फिर हम पोस्टर नहीं लगवा देते बाहर, मिठाई नहीं बंटवा देते टोपा कहीं के, तो क्या करें? संतोष जी शटर ही नहीं खोल रहे थे। शटर इसीलिए नहीं खोला क्योंकि गलत पासवर्ड बताया। पासवर्ड था ता ता थिया थिया। आपने किया ता 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 थिया थिया। एक ता एक्स्ट्रा लगाया। हाँ तो तीन बार ही तय हुआ था ना, ता 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 थिया थिया। गलत, ता ता थिया थिया। नहीं नहीं तीन बार तय हुआ था, ये देखो ता 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 थिया थिया। हाँ हो गया ता 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 थिया थिया। ये देखो तीन बार ता 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 थिया थिया। गलत है। अब करना है किसी को ता ता थैया या ता 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 थैया थैया। नहीं मैडम, पूरा ताल बजा दिया आप इसके सर पे। ए ए बाबू, ए बाबू, अरे यार आओ आओ इधर आओ इधर आओ। कहाँ यार, कहाँ मेहनत कर रहे हो, कहाँ भाग रहे हो तुम? क्या है ये ता ता थैया थैया कर रहे हो यहाँ पे? मैं रिपोर्ट लिखवाने आया भाई साहब, तबला सीखने नहीं। आइए आपकी रिपोर्ट लिखते हैं और नजर ऊपर रख, सर सलामत तो पगड़ी हजार, क्योंकि ये छत कभी भी टपक सकती है। बताइए क्या दिक्कत है? गोपाल नाम है हमारा, गोलगप्पा बेचने का काम करते हैं। एक मिनट सीधा भगवान से कंप्लेन करोगे क्या यार? एक सेकंड। ए शाबाश, हो गया, इधर सीधा देखिए। हाँ अब बताइए। जहाँ हम रेडी लगाते हैं ना, उस गली का दादा बिरजू भैया अपने आदमियों के साथ आता है हमारे ठेले पर और हमसे मुफ्त में दही बल्ले, पापड़ी, चाट, पाव भाजी सब खा जाता है। और जब हम पैसे मांगने की कोशिश करते हैं उससे, तो दादागिरी दिखाता है और जान से मारने की धमकी भी देता है हमें। उसके डर से ग्राहकों ने आना भी बंद कर दिया है। पूरे 10,000 खाए बैठा है हमारे मैडम। हमारे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, 6 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है मैडम। हमारे पैसे आप दिलवा दीजिए मेहरबानी करके, तय कीजिए। बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप, आपका पैसा ना उसका बाप भी देगा। मैडम इंफॉर्मेशन करेक्ट है क्या? आ जाएंगे वो? ओ भैया, ओ भैया, लगाओ गोलगप्पे। भैया आज तो पैसे दे दो। पहले दिया था क्या? नहीं। तो अब क्यों मांग रहे? अरे बिरजू भैया, बच्चों का स्कूल की फीस देना है। अरे क्या करेंगे रे तेरे बच्चे पढ़ के, आखिर में उनको तो ठेला ही लगाना है ना तेरी तरह। अब यहाँ धंधा करना है ना, चुपचाप हम दोनों को मुफ्त में इसी तरह खिलाता पिलाता रहे, समझा? चल शुरू हो जा रही, मैं देख क्या रहा है, लगाना जल्दी। हाँ अरे कहाँ भाग रहे? अच्छा बेटा, हाँ तब भी मैं सोचो इतना क्यों पूरा करा है, पुलिस वालों को बुला के रखा है। अरे पुलिस का कर लेगी आपका, हम थोड़ी ना आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं। हम जानते हैं आपके बारे में, इनका पहुंच जो है ना वो बहुत ऊपर तक है बिल्ले। अच्छा। हाँ, इनको हल्के में मत लेना, इसलिए आज का गोलगप्पा पार्टी भैया जी हमारी तरफ से। सच्ची भैया एक प्लेट गोलगप्पे दे दो। अरे पहले खाली प्लेट दे दो भाई, ये भैया जितना जी भर के जी गोल के आप खिला सकते हैं ना, इनको सबसे ज्यादा खिलाइएगा, ये तो खाते ही रहेंगे। हमारा थोड़ा स्पाइसी करना। मुझे मीडियम। मीठा मीठा, मुझे मीठा। भैया मीठा मीठा, ये लो मीठा लो। कितना टिका भैया, बस 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 और नहीं होगा। अरे इसे बस हो गया बिल्ले संतू। अरे भाई अरे ये क्या था? अरे इतना मुफ्त में ठूस ठूस के आपने इनसे इतने गोलगप्पे खाए हैं, आज कैसे इतनी जल्दी जा रहे हैं आप? आज आपके लिए करिश्मा स्पेशल गोलगप्पा बनेगा, भैया जी खिलाइए इनको। बिल्कुल मैम बिल्कुल। बस बस भाई बहुत हो गया, बहुत ठीक, आग लग गया मुंह में। काहे इतना बिलबिला रहे हैं बिरजू भैया आप? इतना जो ठूस ठूस के गोलगप्पा खाया है आज तक, उसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे चाचा नहीं आएंगे चुकाने, कौन चुकाएगा? हम देंगे ना, हम देंगे पूरे 10,000 रुपए।
दीदी पूरा दे दे। 10,000 से ज्यादा ही है। हाँ भैया, अगर आज के बाद तुम हमें इसके आसपास दिखाई भी दिए ना, तो जब जब गोलगप्पा देखोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत, तुम सा ना देखा, समझ गए? बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। का भैया का, हमको शुक्रिया कर रहे हैं आप? आप हमारे थाने का पहला केस है, हमें आपको शुक्रिया करना चाहिए। आप बहुत स्पेशल है हमारे लिए भैया। तो जब भी चाहिए इंसाफ, महिला थाना 2 को करो याद। सदैव आपकी सेवा में तत्पर, महिला थाना पार्ट 2। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जान सकते हैं आप कहाँ थी? रूटीन बीट पे गए थे हम। पूरा दिन आप रूटीन बीट पर थी? हाँ, वो छोटे मोटे केसेस, वो उसका जांच पड़ताल करना था, तो वो सोचा वो कर ले हम, और वो एनुअल रिपोर्ट बनाना है ना, तो वो तो आप जानती है कि वो पूरा फिट एंड फाइन होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए रिपोर्ट, तो सोचा हम ये कर ले। क्यों, कुछ मतलब हम नहीं थे थाने में तो कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। इनफैक्ट हमें तो थाना सुबह से खाली खाली लग रहा है। कोई रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया, कोई नई कंप्लेंट नहीं आई। बहुत हैरानी की बात है। नहीं हैरानी? नहीं नहीं मैडम सर, ये बहुत खुशी का बात है कि कोई कंप्लेंट नहीं आया है। मतलब अच्छा है ना, यहाँ पे क्राइम कम हो रहे हैं, सुख शांति मिल गया है हमें, तो बहुत अच्छी बात है। माफ कीजिएगा लेकिन आप खुश नहीं लग रही हैं। नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं। बस हम ये सोच रहे हैं कि अचानक से जब किसी डॉक्टर के पास उसके मरीज आना बंद कर जाए, तो उसकी दो ही वजह हो सकती है। एक, या तो शहर में से बीमारियां खत्म हो गई हैं, या फिर उसी एरिया में कोई नया क्लिनिक खुल गया है, कोई नया डॉक्टर आ गया है, जो लोगों का इलाज करने की बजाय उन्हें बस पेन किलर देकर तुरंत राहत दे देता है। समझ नहीं पा रहे हैं मैडम सर, आप क्या कहना चाह रही हैं आप? मैडम सर, या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने मन्नत मांगी थी, शिवजी ने वो सुन ली, बुलबुल पांडे को अकल आ गई, और वो खुद अपने एरिया के जो केसेस है वो खुद देख रहा है, इसलिए हमारे यहाँ थाने में केसेस कम आ रहे हैं। और क्या, ये हो सकता है बुलबुल पांडे देख रहा होगा केसेस। हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि सच ना बहुत सिंपल होता है, साधारण होता है, एकदम सीधे से निकल जाता है, उसे बोलने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन झूठ टेढ़ा होता है, उसे बोलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कहानियां बनानी पड़ती है, खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, और वो ओवर कंट्रोल बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है, और बॉडी लैंग्वेज पढ़ना तो पुलिस वालों का काम है। नहीं जी, हाँ। पुष्पा जी, आप क्या छुपा रही हैं? कुछ भी तो नहीं, मतलब हम कुछ नहीं छुपा रहे आपसे, सब कुछ ठीक चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा हो, क्योंकि अगर इस सब कुछ में कोई भी गड़बड़ी आई तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। और उम्मीद करते हैं कि ये बात आप दोनों बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमें हर चीज बर्दाश्त है, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं है। हम निकल रहे हैं, कल जब हम वापस आएंगे ना, तो हमें ये जगह तुम्हारे टकले से भी ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए, समझ रहे हो? मतलब जब तक ये प्रतियोगिता खत्म नहीं हो जाती, हमारा ये कर्म भूमि है, इसको साफ होना बहुत जरूरी है, तो चमका दो एकदम। नहीं नहीं, हम तो चमका देंगे, लेकिन ये पूरा चमकाने से पहले ही थाना 2 बंद हो जाएगा। भाई तो क्या बंद हो जाएगा, क्यों बंद हो जाएगा? एक मिनट मैडम, यहाँ से आपका हाथ यहाँ पहुँच सकता है? पहुँच सकता है। अब अम्मा वहां कैसे पहुंचेगा? तो सुनिए मैडम सर को हम ज्यादा देर उल्लू नहीं बना सकते, वो ये थाना नंबर 2 ढूंढ के निकालेगी और हम सबको पकड़ लेंगी। नहीं, आप स्मार्ट है, लेकिन मैडम सर आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है, हम सब पकड़े जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, समझे तुम? जब बोलते हो गंदा ही बोलते हो। अच्छा, पीछे देखो। कौन लाया ये नेम प्लेट,
किसका हिम्मत हुआ यहाँ नेम प्लेट आने का ये वाला? नहीं नहीं मैंने तो अभी देखा ना। बिल्लू तुमने हमें धोखा दिया है। हमें भी धोखा दिया तुमने बिल्ले। उतर नीचे, हमारे सीक्रेट मिशन के बारे में तुमने मैडम सर को बताया नहीं चाहता। और उस सीक्रेट मिशन में तुमने करिश्मा सिंह का साथ दिया और हमारा नहीं। हमारा साथ नहीं दिया, धोखेबाज इनका साथ दिया तुमने, इनको यहाँ तक लाए तुम। उतर। मैंने नहीं लाया। बिल्लू चंपा उतरो नीचे, तुम्हें तो सजा मिलेगी। नहीं मुझे क्यों सजा? मैंने उतरो नीचे। बिल्लू क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? बुरा सपना देखा, बहुत भयंकर सपना। मैंने सपने में देखा मैडम सर को थाना टू के बारे में पता चल गया, और करिश्मा मैडम को लग रहा है कि मैंने उनको ये बात बताई। गन्ना जैसे दो पार्टों के मशीन में फंसता है ना, ऐसे दोनों मुझे इतनी छोड़ रहे से। किसी को अंदर मत भेजना। वैसे फंस तो हम भी गए हैं बिल्लू, जब से ये बेस्ट थाना प्रतियोगिता के चक्कर में मैडम सर और करिश्मा जी के बीच में टंटे शुरू हो गए हैं ना, हम भी ना इधर के रहे ना उधर के, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें हम। बस एक ही प्रार्थना करते हैं शिव जी से, जब तक ये थाना प्रतियोगिता खत्म नहीं हो जाती, मैडम सर को दूसरे थाने के बारे में कुछ पता ना चले। मेरी माँ कहती है किस लोगों की काली जबान होती है, मेरी काली खोपड़ी है, मैंने सपना देख लिया, अभी वो सच हो के रह जाओ। बक 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 बक, डराओ मत हमें, डराओ मत। वैसे मैडम सर है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। कहीं थाना टू को नहीं गए? मैडम सर, हाँ आप बुरा नहीं माने तो एक बात पूछूं? नहीं नहीं पूछो। हम यहाँ क्यों आए? FIR लिखवाने। यहाँ मतलब मैं समझी नहीं। मतलब अगर FIR हम तक नहीं पहुँच सकती तो हम तो FIR तक पहुँच सकते हैं। अब घंटी बजाइए, जाइए जाइए, देखिए कौन है अंदर। ये दरवाजा तो खुला है, अंदर जाकर चेक करो, हो सकता है घर में कोई हो। कोई है? कोई है? हेलो, मम्मी! क्या हुआ? चुप चुप चुप, संतोष शर्मा, रुकिए रुकिए रुकिए, हम असली पुलिस वाले हैं। पुलिस की ड्रेस में चोरी करते हो? नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, ये देखिए माता जी, हम असली पुलिस वाले ही हैं। हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, और ये मैं हूँ कांस्टेबल संतोष शर्मा। ठीक है, आप बैठ जाइए आराम से, इत्मीनान से बैठिए बैठिए। माता जी पानी पियेंगी आप? हाँ। कहाँ रखा है? वो दरवाजे के पीछे। देखिए माता जी, दरअसल हम महिला पुलिस थाने से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। शहर में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं ना, हम उनके पास पर्सनली जा रहे हैं उनसे पूछने के लिए कि आपको कोई मदद चाहिए, कि आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, इसलिए बिना झिझके हमें बता दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बता दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल जी। माता जी बताइए क्या दिक्कत है आपको? मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है, ज़रा दबा दीजिए। हाँ हाँ संतोष शर्मा, बिल्कुल दबा दीजिए इनके पैर। वैसे भी बुजुर्गों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। हाँ। जी अब बताइए। वो जरा अखबार पढ़ा है उसको उठा दीजिए। हाँ लेकर। ये लीजिए। मुझे खबर नहीं पढ़नी है, इसका पंखा बनाकर जरा झलना, झल दीजिए जरा। हम? हाँ हाँ मैडम सर, बुजुर्गों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। जी आप बताएंगे आपको दिक्कत क्या है? हमारे यहाँ बिजली नहीं है। सिर्फ आप ही के घर में बिजली नहीं है, क्योंकि आस पड़ोस में तो हर जगह है। अरे वो मुआ, हमारा पड़ोसी राघव है ना,
वो हमारे घर से बिजली चोरी करता है, 2 महीने से कर रहा है। इस बार हमारे घर का बिल 10,000 आया है। 10,000? और जब हमने नहीं जमा किया तो बिजली वाले आके लाइन काट गए। अरे मैं क्यों भरूं उस बिजली चोर का बिल, रह लूंगी अंधेरे में लेकिन गलत बात नहीं सहूंगी। आपने बिजली विभाग में कंप्लेन क्यों नहीं की? अरे की तो थी, आए भी थे बिजली विभाग के लोग गड़बड़ी चेक करने के लिए। फिर? अरे फिर क्या, उस कमीने राघव को पहले ही पता चल गया और उनके आने से पहले तार वापस निकाल दिया और जाते ही फिर जोड़ दिया और नतीजा वही, ढाक के 3 पात। माँ जी घबराइए मत, अब हम आ गए हैं ना, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हम बिजली की चोरी के बारे में भी पता लगाएंगे और आपके घर में एक नया कनेक्शन भी लगवा देंगे ताकि आगे जाकर ये दिक्कत फिर से ना हो। संतोष शर्मा FIR लिखिए। थैंक यू। देखा, गलत नहीं कहते लोग, साया ना कवा मुंह की खाए। बहुत बहुत चंट समझती थी ना अपने आप को, बहुत बड़ा प्लान बनाया था थाना प्रतियोगिता को जीतने का। क्या हुआ, मैडम सर ने सारी हवा निकाल दी ना? आपने थाने में FIR आनी बंद करवा दी तो मैडम सर ने संतु के साथ दूसरों के घरों में जा जाकर FIR लानी शुरू कर, सारे प्लान का बैंड बज गया। वेरी गुड का वेरी गुड। नहीं मेरा मतलब है कि अब थाना 2 की जरूरत नहीं है ना। मैं काम करती हूँ, चीते को जाके बोल देती हूँ थाना 2 का शटर बंद करते। रुको रुको रुको, तुम संतु तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ गई? हाँ सही बात है, जाने की क्या जरूरत है, इतनी सी बात तो फोन पे भी बोल सकती हूँ। तुम्हारी समस्या क्या है संतु, जिंदगी में तुम्हारी समस्या क्या है? ये जो तुम्हारे भेजे में भूसा भरा हुआ है ना संतु, इसको तुम निकलवाओ जितना जल्दी हो सकता है। ये पार्ट 2 जो थाना हमने खोला है ये बंद नहीं होगा, हम ये कह रहे हैं। थाना फिर भी बंद ही होगा मैडम, बिल्लू की काली खोपड़ी में सपना आया था थाना बंद होने का। और इस सपने का क्या जो हम सबने मिलकर देखा है, सपना इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने का। हाँ ये हमारा जो महिला पुलिस थाना है इसका सर स्वाभिमान से ऊंचा करने का सपना, उसका क्या? डिपार्टमेंट में हर महिला पुलिस थाने की अहमियत समझाने का सपना, उसका क्या? ये कॉम्पिटिशन हम किसी भी हाल में जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये पार्ट 2 थाना बंद नहीं होगा बस। आप समझ नहीं रही है। हाँ देखिए क्या फायदा अब उस थाने का, इस थाने में FIR ना आए इसलिए खोला था ना वो थाना, मगर यहाँ तो FIR आ रही है, मैडम सर ला रही है दूसरों के घरों में जा जाकर, देखिए ना दुगनी FIR है, तो अब क्या फायदा है उस थाने को रख के? नहीं अगर FIR आया है ना पुष्पा जी तो FIR जाएगा भी। मतलब मैडम सर ने अपना दाव खेला है ना, अब हमारा बारी। तो ये इलेक्ट्रिक चेयर है, इसमें करंट पास होगा 440 का वोल्ट, और जैसे ही करंट पास होगा इस पे बैठा हुआ आदमी एकदम कोयला हो जाएगा। खा। ये है लिवर, अब मैं ये लिवर घुमाऊंगी तो क्या होगा? इसमें करंट पास होगा 440 वोल्ट का। स्विच ऑफ है ना? हाँ मीन स्विच ऑफ है। हाँ हाँ ये लिवर घुमाया मैंने और ये करंट लगने की एक्टिंग शुरू। कैसी रही मेरी एक्टिंग? सुपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही तुम्हें ताबड़तोड़ अभिनय करना है जब वो आएंगे, ठीक है? तुम देखने वाले को झटका लगना चाहिए, समझ गए ना? सब रेडी है ना, चीता भी आता ही होगा। हमारी इनकी मैया का सासू मैया, एक छोटा सा कोड इनको याद नहीं रहता। चीता ही होगा और कोई और हुआ तो? एक सेकंड फोन कर लेती हूँ ना चीता को। लो चीता का ही मैसेज है, कह रहा है कोड वर्ड भूल गया हूँ, शटर खोलने बोल रहा है, मैं खोल कर आती हूँ। अरे भाई ये कौन सी जगह है, पुलिस स्टेशन तो लाग रहे को नहीं? पलटो बंधु। हम है चलता फिरता थाना, जो तुम्हारे चेहरे का ये रंग उड़ा ना इसको देख के हम कह सकते हैं कि तुम हमको पहचान लिए हो। पहचान लिए ना? तो तुम ही हो ना वो अपनी पड़ोसन श्रीमती मालती के घर में अंधेरा करके अपने घर में रोशनी करने वाले। पढ़ी हूँ गलत है, मैं तो काय भी को नहीं कियो। था के पास कोई सबूत है कहीं? नहीं, यही खासियत है इस थाने की कि यहाँ पे कोई सबूत और गवाह नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट जो है ना इंसाफ दे देते हैं यहाँ पे। अब तुम कबूल करो कि तुम ही हो जो वो बिजली चोर हो।
मैं काय भी को नहीं कियो। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं भैया। अगर आप अभी ये कबूल नहीं करोगे कि आप बिजली चोर हो, कोई बात नहीं, मत करो कबूल। ये बिजली की चेयर है ना, ये आपसे कबूल करवाएगी कि आप बिजली चोर है। क्यों कहा है ना, इसमें 440 वोल्ट का झटका लगा है जो ऐसा रॉकेट बनाएगा ना कि एक झटके में सच बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये आदमी जो इस कुर्सी पर बैठा है ना, ये चोर है, लेकिन कबूल नहीं कर रहा है कि ये चोर है। अब ये बिजली वाला चेयर ना इससे कबूल करवाएगी कि ये चोर है। देखेंगे आप, डेमो देखेंगे। देखिए, हाँ भैया, क्या नाम है आपका? बलराज साहनी। बिल्लू, देखिए नाम सही बताया उन्होंने, बिल्लू। ए चुप चुप, आप हमें ये बताइए कि आप चोरी आपने किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। चोर है। चलो भैया, अभी तुम्हारा हो गया, इनको हटाओ, इनको बिठाओ। हाँ चल। अरे मैं तो नहीं बैठूं चेयर पे। अरे मैं कबूल करूं कि मैं ही बिजली चोर हूँ और मैं ही मारी जो मिसेज मारती पड़ोसन है उनकी बिजली चोरी करूँ, और तो और उसका जितना भी बिजली लो बिल है नहीं, मैं सब चुका दू लो, सब भर दू लो। माफ नहीं, उनको बोलो कि अपना जो केस है वो वापस ले। समझ गए तुम? समस्या सॉल्व हो गई, केस सॉल्व हो गया। हाँ जी हुकुम। चलो कटो। ए बिल्ला, तुम यदा इतना धमाकेदार नेचुरल एकदम पावरफुल एक्टिंग करती हो बे। हाँ बिलोटू, ए बिलोटू, तुम जिंदा तो है ना? का परफॉर्मेंस दिया बिलोटा, संतु जैसा किया जैसा लग रहा है सच में करंट खा रहा था। पहले ये बताओ सच में करंट किसने चलाया? अरे हाँ हाँ, हम सब कर देंगे, चिंता मत करो। अभी रखते हैं फोन। सुनिए बहन जी, हमें रिपोर्ट वापस लेनी है। बहन जी? अरे अरे दादी जी, हम तो आपकी पोती के समान हैं। हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता नहीं चलता ना, इसलिए आप हमें बेटा ही कहिए। हाँ। अरे जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप यहाँ कैसे? बेटा मुझे अपनी रिपोर्ट वापस लेनी है। हाँ हाँ, हो जाएगा काम आपका, हो जाएगा। हाँ, आप अपनी रिपोर्ट वापस क्यों लेना चाहती? जब सारा टंटा निपट गया है तो काहे रिपोर्ट रिपोर्ट की सरदर्दी ले? घर में नया कनेक्शन लग गया है, बिजली आ गई है, उस राघव ने सब आगे पीछे का बिजली का बिल भर दिया है, तो अब काहे की झेझे मोल ले। यहाँ पे अपने दस्तखत कर दीजिए और अपना केस वापस ले। जी जी, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी जी। अचानक से कैसे हुआ ये? अचानक ही उस राघव की अकल ठिकाने आ गई और उसमें सब कुछ बताइए। पर ये तो जी कहिए। मैडम जी, मुझे अपनी रिपोर्ट वापस लेनी है, मेरी समस्या का समाधान हो गया। हाँ मैडम जी, मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, आप मेरी एफआईआर कैंसिल कर दीजिए। अच्छा? हाँ हाँ हाँ, सबकी एफआईआर हम खारिज कर देंगे, आप लोग जाइए। धन्यवाद धन्यवाद। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से सब अपनी एफआईआर वापस लेने आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये इतने सारे कोइंसिडेंसेस तो हो नहीं सकते। आप जानती हैं क्या? हम नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हम क्या जानते होंगे? आप सच बोल रही हैं? हाँ हाँ, भला हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? तो इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हैं? नहीं नहीं, हम कहाँ ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, हम तो एकदम सहज हैं। देखिए कुछ नहीं हुआ, एकदम सहज। चीता और संतोष कहाँ हैं? चीते संतोष यहाँ तो नहीं है? हाँ वो नहीं है, हम बुलाते हैं उनको। फोन करके बुलाइए। जी अभी। हाँ? अभी बुलाइए। हाँ हाँ हाँ। हे भोलेनाथ, मैडम सर का सवाल सुनने के बाद संतु के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा और वो सारा भांडा फोड़ देगी। अब आप ही कुछ कीजिए, हम सच में आपको 1 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। आपने हम लोग को बुलाया मैडम सर? जी, हम आप दोनों से कुछ सवाल करना चाहते हैं, लेकिन उसके जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। क्लियर? क्लियर मैडम सर।
संतोष शर्मा, क्या आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? नो मैडम सर। ये अभी हाल ही में जो कंप्लेंट्स वापस ली जा रही हैं, क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? नो मैडम सर। इसका पेट क्यों नहीं दुख रहा? दुखेगा तब ना जब उनको सुनाई देगा। मैडम सर क्या बोल रही हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो फिर जवाब कैसे दे रही है? हम इशारा कर रहे हैं संतु जी को, पर सुन क्यों नहीं पा रही वो? क्या आपके पेट में दर्द हो रहा है? बिल्कुल नहीं मैडम सर। देखा मैडम सर आपने, हमने कहा था ना ऐसा कुछ भी नहीं जो हम आपसे छुपा रहे हैं। अगर संतु कुछ छुपाती तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता ना। नहीं हो रहा है, मतलब कुछ नहीं छुपा रहे आपसे। हाँ मैडम सर, नहीं तो अब तक तो संतु जी का फैलाया हुआ सच यहाँ फर्श पर फैला होता और हम लोग मिलकर उसको समेट रहे होते। हमारा भरोसा कीजिए मैडम, संतु जी कुछ भी झूठ नहीं बोल रही, सब सच बोल रही है। हम जरा आए, आते हैं थोड़ी देर में। क्या बोल रही थी मैडम सर? बाप रे बाप, संतु जी आप न मासूमियत का इमारत है। क्या देखिए पुष्पा जी, इसकी वजह से संतु जी को सवाल सुनाई दिया ही नहीं। सवाल सुनाई दिया ही नहीं तो पेट दर्द हुआ ही नहीं, पेट दर्द हुआ ही नहीं तो सच बोला ही नहीं इन्होंने। क्या बोल रही थी मैडम सर? कुछ नहीं कुछ नहीं, वैसे तुम रोज पहना करो, अच्छी लगती हो तुम। करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या देख रही हैं आप कंप्लेंट रजिस्टर में? कुछ नहीं, वो बाहर पुष्पा जी बता रही थी कि जितना भी केसेस हमारे थाने में आए हैं वो सब वापस चले गए हैं। सबका समस्या सॉल्व हो गया है तो सारे रिपोर्ट खारिज हो गए हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या जाहिर करें, खुशी या फिर हैरानी। ऊपर ऊपर तो आपको हैरानी जाहिर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अंदर से आप कितनी खुश हैं ये हम अच्छे से जानते हैं। नहीं, हम समझे नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। आप अच्छे से समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये भी जानती हैं कि अचानक से कंप्लेंट रजिस्टर के सारे केसेस सॉल्व कैसे हो गए? आप सीनियर हैं, आप कुछ भी बोल सकती हैं, आपको कौन रोक सकता है। लेकिन एक बात हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं मैडम सर, कि आपसे अच्छा ये कोई नहीं जानता है कि बिना किसी सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना कितना संगीन जुर्म है। लेकिन आपने अभी जो कहा उसे प्रमाणित करने के लिए क्या आपके पास कोई सबूत या गवाह है? इतनी समझदारी की उम्मीद तो हम आपसे रखते हैं करिश्मा सिंह, कि आप अपने खिलाफ हमारे हाथ कोई सबूत तो लगने नहीं देंगे। लेकिन हम भी फितरतन जिद्दी हैं, एक बार सच के पीछे पड़ जाएं तो उसके दरवाजे तक पहुंच कर ही दम लेते हैं। अब करिए आपको जो करना है करिश्मा सिंह, हम सच तक पहुंच जाएंगे। समय बर्बाद करेंगे आप, आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखते हैं। गुड लक मैडम सर। थैंक यू। जय भोलेनाथ। जब तक ये थाना प्रतियोगिता का चक्कर खत्म नहीं हो जाता, हसीना मैडम को दूसरे थाने के बारे में पता ना चले, बस इतनी सी कृपा कर दीजिए। हाँ? जानते हैं सर जी। सर हाँ हाँ, बस हम थाने में एंटर ही हुए हैं, केबिन की तरफ जा ही रहे हैं, बस हम 10 मिनट में फोन करते हैं। जी सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी, हमें DSP सर और IG सर के साथ एक बहुत जरूरी कॉन कॉल करना है और हो सकता है हमें बहुत ज्यादा समय लग जाए। ठीक है, हम अपने केबिन में जा रहे हैं, आप प्लीज बाकी सबको आगाह कर दीजिए कि जब तक हम खुद अपने केबिन से बाहर नहीं आते कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ कुछ नहीं सुना उन्होंने। इंटरनेशनल क्लाइंट है। एक मिनट, एक मिनट, मैडम। व्हाट इज नाउ नेम इज व्हाट
व्हाट क्या इज है नेम नाम योर्स आपका ओह माय नेम इज फ्रीडा व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम मैम यू गो इन दिस थाना या फॉर कंप्लेन यस कम दिस साइड वेयर कम 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 व्हाट दिस थाना वेस्ट वेस्ट ऑफ योर टाइम इस थाने में कुछ नहीं हो सकता ये थाना बेकार है फालतू है I suggest another level थाना It's super fantastic मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम है ऐसा चुटकी में सॉल्व हो जाएगा कम विथ मी सीक्रेट प्लेस व्हाट सीक्रेट प्लेस सीक्रेट प्लेस मींस रहस्यमयी गुप्त स्थान काना खोपचा कम विथ मी यू नथिंग विथ मी No, I will complain against all three of you. Eight minute. क्या चल रहा है? What you want? Ma'am, I want to go inside and complain. These stupid men not letting me go. यहाँ complain? Yes. No. आजकल यहाँ no complain, no writing. विश्वास नहीं हो रहा कि पुष्पा जी भी सब में शामिल है. But why no complain? Order from hair order. Then where should I go complain? You tell me, ma'am. What do I do? No, No cry. Billu, take you. सही जगह. है ना बिल्लू? Yes, हाँ. yes. Go. Okay. Thank you. Come. पुष्पा जी, हम भी जाएं. बस ध्यान दो इधर. नहीं संतू रुको अभी मत खोलो नहीं मैडम हम जानते हैं बिल्लू है तो जाने देते हैं ना वो गलत पासवर्ड बोल रहा है तो छोड़ दो मैं जाने नहीं लेकिन हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है सॉरी मैडम बुरा मत मानिएगा लेकिन आप यहाँ पर हैं हम यहाँ पर हैं संतोष जी यहाँ पर हैं पुष्पा जी वहाँ थाना में बैठी हैं जैसा आप आदेश दी थी तो बाहर कौन होगा बिलौटा ही हो सकता है ना मैडम अम्मा बिलौटे के साथ मैडम सर हुई तो नहीं जब तक हम नहीं बोलेंगे शटर नहीं खुलेगा समझ गए दोनों की दोनों हाँ No, please. Wait. हाँ जी कहिए मैडम सर है वहां पे अपने केबिन में क्यों पक्का है क्या पक्का थोड़ी देर पहले तो अंदर गई है वो और हमसे कह के गई है कि डीएसपी सर और आईजी सर के साथ उनका जरूरी कॉन कॉल है तो उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे आप जाइए एक बार जाके चेक कीजिए क्या मैडम सर है कि नहीं वो चेक कीजिए पुष्पा जी अरे हाँ हाँ देखते हैं जाके हाँ सर हम भी यही कहना चाहते हैं सर जी सर हो जाएगा बिल्कुल सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें अंदर तो बैठी है वो हम देख रहे हैं उनको अब पक्का क्या पक्का आपको भरोसा नहीं है हमारी आंखों पे शक है आपको तो खुद आके देखिए ना ठीक है थैंक यू पुष्पा जी खोलो शटर खोलो हाँ फॉरन से है Hello, I'm Frida. Is this a real police station? Yeah. हाँ, real police वाले हैं ना? बताइए आपका क्या समस्या है, हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? Why come here to complain? Why not there? वो हमारी जो senior है ना madam sir, उनसे छुपाने के लिए हम यहाँ पर. तो आप सब अपने सीनियर से छुपा के ये थाना चला रहे हो सो योर एसआई करिश्मा सिंह दिस लिटिल पैकेट ही टेल मी एवरीथिंग अबाउट यू यू आर वेरी फेमस इन लखनऊ योर भौकाला योर टोपा योर पंचिंग यू आर वेरी फेमस यू थिंक यू आर बेटर देन योर सीनियर Let me explain.
हमारी जो मैडम सर है वो जज्बात से चलती है और जो हमारी करिश्मा मैडम है वो लात और मुक्कों से चलती है। I don't understand. Speed difference, you understand? हमारी जो मैडम सर है वो जज्बात से चलती है which is 2G. और जो करिश्मा मैडम है लात और मुक्कों से चलती है which is 4G. दोनों के फायदे और नुकसान है। 2G जो है वो देर से कनेक्ट होता है लेकिन लंबा चलता है और जो 4G है वो फट से कनेक्ट होता है और फट से डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। मैडम सर जो है वो बुलेट कार है, मतलब बैलगाड़ी है, और करिश्मा मैडम जो है वो घोड़ा गाड़ी है। दोनों के फायदे नुकसान एकदम सही। हाँ, अगर हमारी हसीना मैडम होम्योपैथिक है ना तो हमारी करिश्मा मैडम एलोपैथिक है। नहीं मतलब हो गया हो सबका, तो आप आइए ना, आप अपना कंप्लेंट लिखवाइए, हम सॉल्व करेंगे। बैठिए बैठिए। यस यस यस, यू आल्सो नाइस, आई फॉरगॉट अबाउट माय कंप्लेंट। सिट सिट, बताइए क्या प्रॉब्लम है? आई हैव बीन चीटेड। कौन है जिसने आपके साथ चीटिंग किया, हमें बताइए आप। बाय द पीपल क्लोज टू मी, मैंने जिन पे विश्वास किया, आई ट्रस्ट देम, दे चीटेड मी। ये तो बहुत गलत किया आपके लोगों ने, लेकिन आप बिल्कुल घबराइए मत। आप हमारे देश में आई हैं, आप हमारी मेहमान हैं, आप हमारी अतिथि हैं। हमारे देश में ना अतिथि देवो भव कहा जाता है। What? God is guest. Guest is God, God. Don't cry, don't cry. Thank you, hold my bag. Yeah, yeah. बताइए कौन कौन है, उनके नाम बताइए। Yes, I tell you their name. ऐसा है करिश्मा सिंह, कांस्टेबल संतोष शर्मा, कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह एंड ऑफ कोर्स बिल्लू चंपत। मैडम सर आप अब तक थाने में हैं, अपने केबिन में हैं। पुष्पा जी के हिसाब से तो अब तक हम आईजी सर और डीएसपी सर के साथ कॉन कॉल पर हैं। जी सर, हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सारी डिटेल्स आपको हम भिजवा देंगे। तजुर्बा कहता है हमारा कि जरूरत से ज्यादा होशियार बनने वाले लोग ही अक्सर सबसे बड़े बेवकूफ बन जाते हैं। सामने रखी तलवार तो देख लेते हैं लेकिन जमीन पर पड़े कांटे नजरअंदाज कर देते हैं। हो गया, मेरा सपना सच हो गया, काली खोपड़ी ने काम शुरू कर दिया। क्या कहा था हमने करिश्मा सिंह, फितरतन हम जिद्दी है, कैसे भी करके सच तक पहुंच ही जाएंगे। तो देखिए फिर, आपका झूठ हमने एक्सपोज कर ही दिया। हमें आज तक लगता था कि हमारे इस महिला पुलिस थाने की सिर्फ काउंसिलर ही नहीं, आप हमारी सबसे करीबी दोस्त भी हैं। अगर इस सब के बाद हमें सबसे ज्यादा किसी ने ना उम्मीद किया है तो वो आप हैं। मैडम सर, हम मानते हैं हमने बहुत बड़ी गलती की है, आपको धोखा देने के बारे में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते, बस अपने महिला पुलिस थाना को जीतते देखना चाहते थे इसलिए ये सब कर बैठे। तरीका भले ही गलत था मगर मंशा नहीं। गलती का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता पुष्पा जी, गलती गलती होती है और आप सब ने गलती की है। आपने सिर्फ हमें ही नहीं, अपनी ड्यूटी, अपनी वर्दी को धोखा दिया है। आपने अपने निजी फायदे के लिए अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है और ये हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं है। हम आप सबके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हमें सारा घटनाक्रम डीएसपी सर को रिपोर्ट करना होगा। आपको जो करना है आप कीजिए मैडम सर, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये जो सब हुआ है इसमें इन सबका कोई गलती है। इन सब ने वही किया जो हमने इनको करने को कहा। हम इनके सीनियर हैं, हमने इनको ऑर्डर दिया, इन्होंने फॉलो किया। हम हैं
जिन्होंने इनका मिसयूज किया, इनका इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। ये जो पूरा प्रकरण है ना मैडम सर, इसका जिम्मेदारी हम अकेले लेते हैं। आपको जो सजा देनी है आप हमें दीजिए, हम अकेले भुगतेंगे, लेकिन ये सब निर्दोष है। सही कहा आपने करिश्मा सिंह, ये सारी गलती आपकी है, इस सब की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। लेकिन आपके लिए कोई भी फैसला लेने से पहले हम आखिरी बार पूछना चाहते हैं कि क्या आपको अपने किए का जरा सा भी पछतावा है? हमने जो कुछ भी किया ना मैडम सर, वो हमारा महिला पुलिस थाना और इस देश के सभी महिला पुलिस थाना के स्वाभिमान के लिए किया है, कतई पछतावा नहीं है हमको। तो ठीक है फिर, जब तक आपको अपने किए का पछतावा नहीं हो जाता, जब तक आप अपनी गलती की माफी नहीं मांग लेती पूरे दिल से, जब तक हमें इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि आप ये वर्दी पहनने लायक हो गई हैं, इसकी गरिमा बरकरार रखने लायक हो गई हैं, तब तक आपको ये वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं। करिश्मा सिंह, हम आपको सस्पेंड करते हैं। वो दिन तो फिर कभी नहीं आएगा मैडम सर। तो फिर ये वर्दी भी आप कभी नहीं पहनेंगी। जय हिंद मैडम सर। कांस्टेबल पुष्पा सिंह और कांस्टेबल संतोष शर्मा, जिन्होंने मिलकर पाप का सर्वनाश किया, शहर में अमन और शांति कायम की। पर कहते हैं ना, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी, जहां भगवान है वहां शैतान भी, जहां हीरो है वहां विलन भी। और इस कहानी का विलन है SHO बुलबुल पांडे। बेस्ट थाना कंपटीशन जीतने के लिए खटिया बन की हद पार कर डाली। अपने थाने में आए सारे केस महिला थाने में भिजवा देने की खटिया चाल चली, फिर भी महिला थाने वालों ने हार नहीं मानी, ये लड़े और जीते। आखिरकार बेस्ट थाना कंपटीशन की ट्रॉफी इन्हीं के नाम हुई, जिनकी जिंदगी का बस एक ही नारा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। कैसी लगी? बहुत बढ़िया, गजब। बिल्लू भाई आपका जवाब ने कसम से। एक और? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ एक कहानी और सुनाओ, एक मस्त कहानी सुनाओ। पिग पिग, एक और पिग। अच्छा अच्छा, एक पिग। ये बदनाम सुना, रिस्पेक्ट राइटर, ये अपना साहब के लिए एक पैग बना। हाँ बिल्लू भाई बिल्कुल, अभी बना के देता हूँ। बिल्लू भाई सच बोलू क्या है कि आपकी नई कहानी बहुत अच्छी है, कसम से बहुत अच्छी है, लेकिन सच्ची नहीं है। एक बात समझ में ये नहीं आ रही कि अभी तक एक कंपटीशन हुआ नहीं, इन थाने वालों ने ट्रॉफी जीती कैसे? राइट पॉइंट है भाई। देखो बिल्लू भाई, कहानी में झोल तो है, एक करिश्मा मैडम हसीना मैडम का तो झगड़ा हो गया बराबर। हसीना मैडम ने करिश्मा मैडम को सस्पेंड कर लिया, राइट? एकदम बराबर बोला। करिश्मा सिंह, हम आपको सस्पेंड करते हैं।
कहानी भी गड़बड़ है। सही नहीं, एक और हम नहीं पहले खत्म तो कर लो यार। एक एक और सब निकालो ना तो इस गिलास में डुबो डुबो के मारूंगा। अरे ये कहानी इंटरवल तक तक ही है। ये जो कंपटीशन है ये अपना महिला पुलिस थाना ही जीतेगा। कैसे कैसे, कैसे? बोलो 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 वो कैसे क्या बता काली खोपड़ी में आया बोल दिया बहुत ज्यादा हो गया। बस करो प्लीज बस करो। एक और बात याद आ गई है जो हम ये दारू का काम कर रहे हैं ना यहाँ पे तो किसी को पता नहीं होना चाहिए नहीं तो मेरा बिल्डिंग निवास गया। ये बताएगा ये बिल्लू भाई हा? मैं किसी को नहीं किसी को नहीं बताऊंगा बोतल की कसम। आप ही हैं? हाँ हम ही हैं। मैं कैसे मानूं? मान लिया अभी है। मैडम अच्छा वो आप आए यहाँ मैं आपको ही याद कर रहा था। वो मेरी कहानी रिसेस तक पहुंची है तो आप उसको एंड तक पहुंचा दीजिए मेरी मदद कीजिए। बिल्लू सुनो सुनो मदद हमको चाहिए तुम्हारा समझ रहे हो? आपको मदद चाहिए और हम नहीं करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। हम आपको मदद करेंगे क्यों नहीं करेंगे लेकिन आप ऐसे राइट लेफ्ट मत हो मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ आप सीधे खड़े रहो ना। एक सेकेंड अभी तुम्हारा फोकस होगा रुको तुम अभी सीधा दिख रहा है ना हम तुमको। हाँ अब तुम सुनो हमारा बात। अब जो हम तुमसे कहना चाह रहे हैं ना बिल्ले ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमको क्या करना है ना अब जो भी रिपोर्ट जो भी FIR जो भी कंप्लेन आएगा ना थाने में तुम सीधा हमको रिपोर्ट करोगे। मतलब वादी का नाम एड्रेस उसका फोन नंबर सब कुछ तुरंत हमको फोन करके तुम बताओगे समझ गए? पर क्यों? ये हमसे सवाल मत करो तुम पर क्यों समझ गए जैसा कह रहे हैं वैसा करो। नहीं तो ये सेल्फी नहीं वीडियो मैं ही हूँ। देखो थाने में बैठकर हम ये दारू काम कर रहे हैं किसी को पता नहीं होना चाहिए समझे किसी को बताना नहीं तो मेरा बिल्डिंग निवास चला जाएगा। ये बताएगा ये मैं ही हूँ। कह दो ये सपना है डिलीट कर दो इसको आँख खुली और सपना टूट गया। तोड़ेंगे हम तुमको अगर तुमने हमारा बात नहीं माना और ऐसा तोड़ेंगे ना बिल्ले कि दिन भर कड़कड़ कड़कड़ करते रहोगे समझ गए। इसलिए हम जैसा कह रहे हैं ना तुम बिल्कुल वैसा करो नहीं तो अगर हमने ये वीडियो पहुंचा दिया ना मैडम सर के पास तो तुम्हें अभी थाना से ना आउट कर देंगे। नहीं लेकिन ये आपने जो कहा वो मैडम सर को पता चल गया तो भी तुम थाने से आउट हो जाओगे। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किसका वफादारी में शहीद होना है ये मैडम सर इनका साथ देना है हा? जो दिन भर जज्बातों का खोखली पीपरी बजाती रहती लेकिन थाने के लिए कुछ नहीं करती है या फिर हमारे लिए जो सिर्फ इस महिला पुलिस थाना के लिए नहीं बल्कि शहर के सारे महिला पुलिस थाना के मान सम्मान के लिए लड़ रही है। हम अपने महिला पुलिस थाना को नंबर 1 पे देखना चाहते हैं समझ रहे हो तुम। अब बताओ तुम्हें किसका साथ देना है अब जल्दी बताओ हमारे पास टाइम नहीं है हमें पूरा रात यहाँ नहीं बिताना तुम्हारे साथ जल्दी बताओ जल्दी बोलो। हाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत बढ़िया बिल्लू चंपत अब ड्यूटी पर लग जाओ हमको सारा खपड़ दोगे तुम समझ गए? हाँ समझ गए। 2 घंटे में चढ़ाई थी जादूगरनी ने 2 मिनट में उतार दी अब फिर से चढ़ानी पड़ेगी। किधर है यही फाइल चाहिए थी ना?
जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद जय हिंद। पुष्पा जी, जैसे ही करिश्मा सिंह आ जाए उन्हें हमारे केबिन में भेज दीजिएगा। आप ही ने उन्हें सस्पेंड किया था ना मैडम सर? बहुत याद आ रही है ना उनकी, हम सबकी भी यही हालत है। बहुत याद आ रही है करिश्मा जी की। यही तो मुश्किल होती है रिश्तों की, कितने पास है दूर जाकर ही पता चलता है। ऐसी कोई बात नहीं पुष्पा जी, वो बस ऐसे ही हमारे जबान से निकल गया था। उम्मीद करते हैं कि अब आप थाने में कंप्लेन आने देंगे और उनकी प्रॉपर FIR भी लिखेंगे। गेट बैक टू वर्क। चल मैडम जी, चल अंदर, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं, अभी आ रहा हूं, कर दूंगी मैं। अरे मैडम, मेरा कोट फट जाएगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आय हाय, दीदा दिलेरी तो देखो इसकी, अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं है इसे। मैडम आप इसे छोड़िएगा नहीं, जेल में डाल दीजिए इसको। इसके तो रोहू मच्छी की तरह टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। हाँ एक मिनट, आप प्लीज शांत हो जाइए। क्या किया है इन्होंने? अरे इसने लड़की छेड़ी है, लड़की। हाँ अच्छा, तो फिर आप लड़की को क्यों नहीं लेकर आए साथ में? कहाँ है? कहाँ है वो लड़की? अरे वो लड़की मैं ही हूँ मैडम। मैं क्या आपको सूखी मछली नजर आ रही हूँ? मैडम मेरी मार्केट में मच्छी की दुकान है, ये दरिंदा आया और मुझसे किस मांगने लगा। मुझे लगा कि ये फिश मांग रहा होगा। ये गलती से फिश की जगह किस बोल गया है। फिर मैंने कान लगा के ध्यान से सुना, ये तो कमीना किस ही मांग रहा था। मैडम आप इसको छोड़िएगा नहीं, बंद कीजिए इसे अंदर। हाँ नहीं ये तो गलत है भैया, आप क्या थोड़ा तो अपनी चॉइस का ख्याल रखते हैं आप। बिल्कुल सही ना यार, मतलब कोई संतोष जी से सुंदर होती तो समझ में भी आता, कहाँ फंस रहे थे यार तुम। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मैं सुंदर नहीं दिखती? भाभी आप सुंदर नहीं, बहुत ज्यादा सुंदर हैं। इनका औकात नहीं है आपसे चुम्मा मांगने का। अरे मैडम मैं तो रुमाल पे किस मांग रहा था। और देखिए मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ, और उसी मान सम्मान से मैंने इनसे इस रुमाल पे किस मांगी, पूछ लीजिए इनसे। पर मांगी तो मांगी मैडम, छेड़ा ना, बंद कर दीजिए आप इसको, छोड़िएगा नहीं इस केकड़े की औलाद को। हाँ आप प्लीज चिल्लाना बंद करिए, आप तो भाई साहब अच्छे से शरीफ घर के पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, आपने इनसे किस मांगी ही क्यों? देखिए मुझे इस रुमाल पे एक महिला के चुंबन का निशान चाहिए, वो तो किसी भी महिला का होगा चलेगा। मगर एक बात बताइए, आपको क्यों चाहिए किसी भी महिला का रुमाल पे किस? ताकि मैं खुद को कानून की नजरों में एक धोखेबाज, चरित्रहीन और भ्रष्ट पति साबित कर सकूं। हैं? और मेरा किसी और औरत से भी संबंध है ये भी साबित हो सके, तभी तो मेरी बीवी मुझे तलाक देगी मैडम। क्या? एक मिनट, क्या बकवास किए जा रहे हो? देखिए आप चाहे जो कहिए, लेकिन इस रुमाल पे किस दे दीजिए। हम? माँ? देखिए तो हम देखिए, आप लोग इतनी सारी महिलाएं हैं, एक किस कर देंगी तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी, आप ही कर दीजिए। वहां से ना थोड़ा दूरी रहना पहलवान, और अपनी इमोशन को थोड़ा काबू में रखो, ना तो बता रहे बहुत खराब आदमी है हम। मैं करूं? एक मिनट, आप शांति से बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। शेखर अगर आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं और अगर डिस्टर्ब्ड हैं तो इसका सलूशन डिवोर्स तो नहीं है? आप अपनी बीवी से बैठकर बात करिए, डिस्कस करिए, आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं ऐसा कुछ खास बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मैडम। तो ऐसा खास छोटा प्रॉब्लम क्या है? नहीं हमारी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, बाय द वे हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सट्रीमली खुश हैं। अम्मा तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ सब कुछ अगर इतना सही से चल रहा है अपनी पत्नी के साथ तो फिर तलाक क्यों चाहिए? यहाँ हमारा लल्ला जो है उसका जी रिलैक्स। देखिए मैं अपनी पत्नी पल्लवी से इसलिए डिवोर्स लेना चाहता हूँ ताकि उसको मुझसे आजादी मिल जाए, मुक्त हो जाए इस वैवाहिक जीवन के बंधन से, और फिर से वही हंसती खेलती चुलबुल चंचल पल्लवी बन जाए जो वो शादी से पहले हुआ करती थी। मैं उसको वैसा ही देखना चाहता हूँ जैसा मैं उससे शादी से पहले मिला था। शेखर ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी बीवी के बारे में इतना सोचते भी हो, लेकिन हम अब भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम उन्हें छोड़ना क्यों चाहते हो। देखो अगर आप अपनी बीवी को आज़ादी देना चाहते हैं तो फिर अपने प्यार की आज़ादी का आसमान बढ़ाइए, अपने प्यार के साथ साथ अपना साथ दीजिए अपनी बीवी को, उन्हें एहसास दिलाइए कि वो कितनी खास हैं, आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, बहुत छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे एफर्ट्स की जरूरत है। आप घर के काम में उनका हाथ बटाइए ताकि उन्हें मदद मिले। मैडम सब कुछ किया वो भी करके देख लिया, आपको पता है जब मैं किचन में जाता हूँ तो मुझे किचन से निकाल देती है,
ये बोल के कि तुम्हें किचन का काम नहीं आता। जब मैं बच्चे संभालता हूँ तो बच्चे छीन लेती है, कि तुम बच्चे नहीं संभाल सकते। तो एक काम कीजिए ना, आप सत्तू के पराठे बनाइए, बहुत आसान है बनाना, मैं आपको सिखाऊंगी। संतू जी हमको भी कभी खिलाइए सत्तू का पराठा। नहीं नहीं, होता है होता है, ऐसा ही होता है। जब भी मर्द औरतों की मदद करने अपने रसोई घर में घुसते हैं ना, सब काम तमाम कर देते हैं। हाँ, लल्ला के पापा भी ऐसे ही थे, हालांकि अच्छा लगता था, मगर जब भी घुसते हैं ना मर्द तो काम बढ़ा ही देते। एक काम करिए, आप प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए, एक मेड, एक नैनी, एक ड्राइवर रख लीजिए, ताकि सारा काम जो है घर का वो लोग करेंगे और आपकी बीवी बहुत फ्री हो जाएगी, उनका सारा टाइम आपके लिए होगा। अरे वो भी ट्राई किया मैडम, सब कुछ करके देख लिया। नहीं देखिए, सच बताऊं तो उसकी एक ही दिक्कत है कि उसे नौकर चाकर मेड वेड सबसे बहुत प्रॉब्लम है। इतने नौकर रख लिए, इतनी मेड रखी, सबको निकाल दिया ये कह के कि तुम्हें काम नहीं आता। जब तक घर का एक एक छोटा बड़ा काम खुद नहीं कर लेती ना, उसे तसल्ली नहीं मिलती। मैडम क्या बात कर रहे हैं भैया, ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी अगर अच्छा काम करेगा तो कोई मालिक उसको काहे निकालेगा। अरे लेकिन मेरी धर्म पत्नी के साथ ऐसा ही होता है सर। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, आप कोई भी मेड मेरे घर भेज के देखिए, एक दिन के अंदर अगर उसने उस मेड को ना निकाल दिया ना, तो मेरा नाम शेखर नहीं। एक दिन? अब तो हम भी जानने में इंटरेस्टेड है कि आपकी बीवी को आखिर प्रॉब्लम क्या है। ट्राई करके देखते हैं। एक काम करते हैं, हम आपके घर लोग भिजवाते हैं काम करने के लिए। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आप बनेंगी काम वाली बाई। हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आपका रिटायरमेंट कब ड्यू है? एक दिन के लिए जाना है ना, कर लेंगे। गुड। संतोष शर्मा आप बनेंगी नानी, और चीता चतुर्वेदी आप बनेंगे ड्राइवर। एक दिन के लिए ये तीनों आएंगे आपके घर काम करने के लिए, फिर देखते हैं आगे क्या समझ में आता है। हो जाएगा ना? जी मैडम। पल्लू, पल्लू। क्या है शेखर? मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ, क्यों आवाज लगा रहे हो? पता है ना सुबह सुबह मुझे कितना काम होता है घर में। बोलो क्या हुआ? पल्लू मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। क्या सरप्राइज है शेखर, जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। राम राम मालकिन। हमारा नाम जो है ना वो चमेली है, और हम जो है ना आपकी नई नौकरानी है। अस्सलाम वालेकुम मैम साहब। हमारा नाम अब्दुल, हम तुम्हारा नया ड्राइवर हो ना। आमी पिंकी, तुम्हारी नानी। ओह माय गॉड, उड़ी बाबा। हाय दया, क्या हुआ? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इनकी एक्चुअली ये आदत है, थोड़ा सा लाउड रिएक्ट करती हैं ये। आप लोग घबराइए मत। क्या हुआ पल्लू? शिको तुम जानते हो ना, इन सबको लाने की क्या जरूरत थी, घर का सारा काम तो मैं कर लेती हूँ ना। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन पल्लू अभी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा आराम मिले। हाँ। अब थोड़ा टाइम तो अपने लिए भी निकालो ना पल्लू। लेकिन देखो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आज से घर के सारे काम ये लोग संभालेंगे और तुम सिर्फ वही करोगी जो तुम्हें पसंद है। ओह माय गॉड, अब क्यों हो लो? शेखू, इतने साल से तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि मेरी पसंद और नापसंद क्या है। तुम्हें पता है ना मुझे घर का काम करना पसंद है, सबका ख्याल रखना पसंद है, फिर भी तुम। अरे पर मैडम, वो तो आप हमेशा करती आई है ना, एक तो दिन हमको भी तो मौका दीजिए आपकी सेवा करने का, फिर आराम से तय कीजिएगा आपको हमारा जरूरत है का नहीं। आपको अच्छा ही लगेगा, भरोसा तो रखो हम पे, कह रहे ना हम। बड़ाबड़ बोली माँ जी। मरहबा मरहबा माता जी, ये पुट्टी का आवाज कितना मधुर होना, मैं साहब आप सिंगिंग काई को नहीं ट्राई करती। मेरी खातिर पल्लू प्लीज। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? मेरी दाल। ये हमेशा ऐसे ही करती है। ओह माय गॉड, हाय दया, क्या हुआ? ये देखो कितना कचरा है यहाँ पर, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? हमें दो। अरे हम कर लेंगे। हम कर रहे हैं ना मैडम, हम कर लेंगे, हम कह रहे हैं ना। ये देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, परफेक्ट, देखा
चलो बेटा देर हो रही है। ये औरत का बहुत समोसा है, समस्या है। भाई लोग मैया बोल। अरे सामने देख। अरे सामने देख कर चलाओ ना, अभी ठोक देते। ये पापा, अल्लाह मियाँ के पास चढ़ने का बहुत शौक है, चढ़ा इसको। आगे से राइट, नहीं नहीं लेफ्ट लेफ्ट। रुको रुको रुको, तुमसे नहीं होगा, मैं ही चला लेती हूँ। This is perfect. ऐसे चलाते हैं गाड़ी। Oh my God! Oh my God! हाय दया, क्या हुआ? ये क्या कर रही हैं आप? ये तो हम चाय का स्वाद देख रहे हैं वहाँ। ये क्या है? ये तो चाय है। अरे कितनी उबाल दी है? ये देखिए। अब ये कहाँ है? इसे टी कलर चाट कहते हैं। देखिए, इस शेड की होती है चाय ब्राउनिश वाइट। हाँ, इस शेड की चाय पसंद है मुझे, और आपने तो पूरी चाय जला दी। आप रहने दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। तो कैसी रही? बहुत बुरी मैडम सर, इनकी मोहतरमा बहुत इज्जत से बेइज्जती करती हैं। अगर वाइफ को इतना सारा काम खुद करना पड़ता है ना मैडम सर, तो मैं तो बहुत ही बुरी वाइफ साबित होंगी। नहीं संतु जी, नहीं, आपसे जिसका शादी होगा ना संतु जी, वो सारा काम खुद से करेगा, सौभाग्य होगा, खुशी खुशी मारेगा वो झाड़ू पोछा जाले साफ करेगा बर्तन। पुष्पा जी, आप इतनी चुप चुप क्यों है? क्या बताएं आपको मैडम सर, हमारे तो भाग ही फूट गए हैं। एक तरफ है इनकी पत्नी जो हर तरह से सर्वगुण संपन्न एकदम सुपर वूमन की तरह, और एक तरफ है हमारी हमारी बहुरानी करिश्मा जी। बर्तन धोते समय तो उनको देखना चाहिए, ऐसा लगता है जैसे अपराधी को धो रही, और आटा गूंथते समय तो मतलब ऐसा लगता है जैसे आटे से कौन सा सच उगलवाना चाहती है वो। काश काश हमारी बहुरानी भी इनकी पत्नी की तरह होती, एकदम सुपर वूमन। शुक्र मनाइए पुष्पा जी की करिश्मा सिंह ऐसी नहीं है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से इनकी वाइफ गुजर रही है उस प्रॉब्लम से किसी भी औरत को नहीं गुजरना चाहिए। मैडम मैं कुछ समझा नहीं, क्या क्या मतलब? इसे कहते हैं सुपर वुमन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में एक औरत घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठाना चाहती है कि सारा काम परफेक्शन से हो, उसके तरीके से हो, लेकिन अकेले करना चाहती है। लेकिन ऐसा क्यों मैडम? इसका बेहतर एक्सप्लेनेशन हमारे वुमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट चीता चतुर्वेदी देंगे। देखिए भाई सब, कहा है इसका मूल कारण जो है ना, वो है हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की परवरिश और उनके व्यक्तित्व का गलत संरचना। गौर कीजिएगा संतु जी। मतलब सब लोग गौर कीजिएगा, क्या है कि हमारे देश में ऐसा लोग सोचते हैं ना कि अगर बेटी है, बीवी है, औरत है, तो उसको परफेक्ट होना चाहिए। सबको परफेक्ट बीवी चाहिए, परफेक्ट बेटी चाहिए, परफेक्ट पत्नी चाहिए, परफेक्ट ननद, परफेक्ट सास, ठीक है ना? और अगर गलती से भी औरत इन सब चीज में चूक गई तो औरत फेल। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो शेखर, औरतों को पैदा होते से ही ना एक एग्जाम में डाल दिया जाता है और उस पर प्रेशर बनाया जाता है कि आपको पूरे नंबर लेकर आने। इसी प्रेशर की वजह से एक साधारण मासूम सी बच्ची बड़े होते होते परफेक्शनिस्ट बन जाती है, आपकी बीवी पल्लवी की तरह। अफसोस कि आपकी बीवी भी इसी बीमारी का शिकार है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बस उन्हें परवरिश ही ऐसी मिली है। तो क्या मुझे उसकी परवरिश फिर से करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। आप आ गए हैं ना यहाँ, हम कुछ करते हैं। पर मैडम सर, इनकी प्रॉब्लम हम लिखेंगे क्या? क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम है वो लीगली किसी भी आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट या क्राइम के कैटेगरी में नहीं आती है। संतु जी, क्या कांटे का सवाल की है आप। मिसिंग, मैं
मिसिंग रिपोर्ट की कैटेगरी में डालेंगे हम इनका केस, जहां एक औरत अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाते उठाते इनमें इतना ज्यादा खो गई है कि अब हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। मिसिंग एफआईआर करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा। अब अपराधियों को सजा सुनाई जाएगी बिना वर्दी के। ये बिल्ला कहाँ रह गया? I'm Billu the spy. तुम्हारी मैया की सासू मैया? मैडम 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 समझ के इस आँख से ना पूरा दिख नहीं रहा है। वो दर्जी ना जल्दी जल्दी में एक आँख ना आधी काट दी, इसलिए। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन तो मैं ही जीतूंगा। मैं नहीं, छोटा बॉन्ड आया हूँ तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के ही जाऊंगा। मैडम क्या कर रही है आप? क्या कर रहे हैं? चाबी घुमाना बंद कीजिए। काहे? पूरा लखनऊ आपके स्टाइल को जानता है, पहचानता है, तुरंत पहचान लेगा वो। बंद कीजिए। समझ टोपा होगा। यही टोपा होगा, तुम्हारी मैया की सासू मैया, चुरन होगा। दरोगा जी तो बहुत देखे पर तुमसा नहीं देखा। ये सब डायलॉग नहीं चलेंगे। देखो आपने जिस हिसाब से गेटअप लिया है ना, उस हिसाब से डायलॉग लीजिए ना। जैसे? जैसे कि आपने पगड़ी पहनी है तो चटनी हो गए। तेरी सैया की मोड़ू मैं भैया, पकड़ तो बहुत देखे पर तुमसा नहीं देखा। ऐसे कई डायलॉग, एकदम अलग अलग डायलॉग आप लीजिए। चाबी घुमाना बंद कीजिए। आ गया क्या? आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया